अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारी आईफोन एक्स की डिवाइस जो है उसका लेटेस्ट आईओएस वर्जन के ऊपर बाईपास जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं और वो बिल्कुल फ्री हम कैसे कर सकते हैं। मेरे पास डिवाइस है आईफोन एक्स जो हेलो स्क्रीन के ऊपर है और लेटेस्ट अपडेट के ऊपर है, तो उसका आज फ्री वाला बाईपास जो है वो 16.7 आईओएस वर्जन है मे बी या 7.1 है, तो उस पर जो है हम बाईपास किस तरीके से कर सकते हैं और कौन से वाले टूल से फ्री में हम इसका बाईपास कर सकते हैं वो मैं आपके साथ आज जो है वो शेयर करूंगा। तो सारी वीडियो जो है वो आप कंप्लीट देखें, इससे पहले मैंने जो है एक वीडियो अपलोड की है जो है आईफोन 7 प्लस की। तो आईफोन 7 प्लस का बाईपास मैं बता चुका हूँ कैसे किया मैंने फ्री टूल के ऊपर, तो अभी आईफोन एक्स का भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियोस जो होती हैं ये वीडियोस मैं बेसिक जो है वो अपना काम करते करते साथ में रिकॉर्ड करता हूँ और बाद में आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे बैठ के जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जो मैं पहले शुरू कर लेता हूँ, कुछ आधा काम होने के बाद जाके याद आता है कि ये भी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी, तो बस ऐसे ही होता है। तो आए फिलहाल मैं जो है आपके साथ जो शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है वो फ्री वाला बाईपास होगा, तो आए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं ऑलरेडी बाईपास शुरू कर चुका हूं। आपने सबसे पहले हेलो स्क्रीन पे जो है वो अपना बैकअप क्रिएट कर लेना है। बैकअप क्रिएट करने के बाद चेक डिवाइस करेंगे और बूट करवा देंगे। अब तो 16 रख के आपने करना है इसको। तो ये यहाँ पे जो है अभी हमारी जो फाइल है वो अनजिप हो रही है। अनजिप होने के बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो फाइल है अनजिप होने के बाद ये इसको ऑटोमेटिकली जो है वो बूट करवाएगी, सारा करेगी, आपको कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। और जिस टूल के ऊपर मैं करता हूँ वो है बेसिक रोम FW, ये बिल्कुल फ्री टूल है। ये इसमें और भी बहुत सारे काम होते हैं आईफोन के अलावा, सैमसंग का, क्वालकॉम का, शॉमी का, मीडियाटेक का, स्पीडरम का, काफी डिवाइसेस इसमें जो है वो स्पॉटेड है इस टूल के ऊपर। ये बिल्कुल फ्री है टूल। तो डिवाइस जो है हमारी अभी ऑटोमेटिकली रिकवरी में चली गई है, तो अभी ये डन होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है वो अगला प्रोसेस इसका क्या है। सबसे पहले आपने चेक डिवाइस करना है, चेक डिवाइस हेलो स्क्रीन पे, उसके बाद आपने हेलो एक्टिवेट मतलब क्रिएट एक्टिवेशन जो है वो लेनी है इसकी, नो SN पे ले लें या सीरियल चेंज करके ले लें। जब आपकी एक्टिवेशन डन हो जाए उसके बाद आपने दोबारा DFU में डालना है। DFU में डालने के बाद बूट करवाना है अप टू 16 पे। जब बूट हो जाए ये देखें ये खुद ही SSH सर्वर के साथ एक्टिवेट हो रहा है और माउंट इसके डिवाइस जो है वो खुद ही हो रही है, आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, फिक्स माउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही कर लेता है। अभी ये डन हो चुका है तो यहां से हम हेलो एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये प्रोसेस है इसका, सिर्फ कुछ ही क्लिक्स हैं इस डिवाइस के जो आपने करने हैं और ये बाईपास डन हो जाता है। और ये टूल बिल्कुल फ्री है, कोई ECID रजिस्टर करवाने की आपको जरूरत नहीं है, कोई टूल बाय करने की जरूरत नहीं है बाईपास के लिए। ये बिल्कुल फ्री है और बहुत फास्ट जो है वर्क करता है। कोई भी टूल जो है वो टाइम लेता है काम करने के लिए, लेकिन मैं जो है इस टूल को जब से वर्क कर रहा हूँ उस पर देख रहा हूँ ये बहुत फास्ट है, बाकी टूल की निस्बत बहुत ज्यादा फास्ट है। तो इस टूल की जैसे नई अपडेट आएगी वो भी मैं शेयर करूंगा। तो हमारा बाईपास जो है वो फिलहाल डन हो चुका है। अभी डिवाइस हमारी ऑन होती है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिवाइस जो है हमारी वो ऑन हो के बाईपास हुआ है या नहीं हुआ, वो भी आप लोगों के साथ जो है अभी मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे डिवाइस जो है हमारी ऑन हो चुकी है, यहाँ पे एक्टिवेट भी डन है, अभी एक्टिवेशन जो है वो डन है। अभी मैं आपको इसका जो है वो भी दिखा देता हूँ कि ये बेसिक जो है मुझे जाके डेवलपर से ऑन करना पड़ना था तो टाइम लग नहीं होता इतना, तो अभी मैं आपको इसकी सीरियल जो है वो वेबसाइट पर जो है जाके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें iCloud ऑफ शो कर रहा है क्योंकि ये बाईपास हो चुकी है डिवाइस। मैं आपको इसकी सीरियल जो है iFree iCloud के ऊपर जो है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसका अभी भी जो है वो ऑन है iCloud, ये बेसिक बाईपास ही हुआ है। अगर आप लोगों को समझ आती है आपसे होता है ठीक है, नहीं होता तो वीडियो में ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये फेक है वीडियो, वीडियो 100% रियल है और बिल्कुल सही वर्क करता है ये टूल। तो ये देखें ये हमने जो सीरियल है वही सेम जो है स्पेस के साथ, आप देखें ये हमारा जो है वो बाईपास डन हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।